Hello friends, I am Meenakshi Singh and I have completed MCA, MS Sociology and also qualified UGC NET-Jrf in Sociology subject. हम लोग अपनी previous video में what is phenomenology and इसके characteristics के बारे में पढ़ चुके हैं और इस video में हम लोग phenomenological thinkers Alfred Schutz के बारे में पढ़ेंगे कि उनका contribution phenomenology के क्षेत्र में क्या रहा है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड शुट्ज़. अल्फ्रेड शुट्ज़ का योगदान सामाजिक प्रकटनाशास्त्र में, समाजशास्त्रीय प्रकटनाशास्त्र में. अल्फ्रेड शुट्ज़ के बारे में जानते हैं. अल्फ्रेड शुट्ज़ का जन्म 1899 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये एक जर्मन दार्शनिक, विचारक और विद्वान थे. इन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकटनाशास्त्र की नींव रखी. इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं. ये जर्मनी गए, जर्मनी में कुछ दिन रुके, वहाँ रहे वो, और वहाँ से फिर अमेरिका चले गए. वहाँ बैंक में नौकरी की इन्होंने और न्यू स्कूल नामक एक समाजशास्त्रीय शोध संस्थान में सामाजिक दर्शन पढ़ाने का कार्य भी किया. नौ वर्ष के बाद इन्हें इसी संस्था में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बना दिया गया. जब ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने, उसी समय इनकी मुलाकात एडमंड हुसेल से हुई और वो प्रकटनाशास्त्र के टच में आए. एडमंड हुसेल के विचारों को उन्होंने सुना, समझा और उसे क्रमबद्ध रूप दिया. शुट्ज़ ने प्रकटनाशास्त्र के अंतर्गत अपने सामाजिक विचारों को प्रस्तुत किया. शुट्ज़ प्रकटनाशास्त्र उपागम के यूरोपियन संप्रदाय के हुसेल के साथी एवं प्रवर्तक माने जाते हैं. ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप देखते हैं, पूछा जाता है ये. नेक्स्ट पॉइंट है, शुट्ज़ के प्रकटनाशास्त्र के अंतर्गत लोगों के दैनिक जीवन की परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया गया है. शुट्ज़ ने भी प्रकटनाशास्त्र में यह दर्शाया है कि दैनिक जीवन में व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के साथ अंतरक्रिया कैसे करता है, समझता कैसे है उनकी अपने संबंधों को, उसकी व्याख्या कैसे करता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना. उन्होंने अपनी बुक्स लिखी. ये 3 बुक्स हैं इनकी जो कि इम्पॉर्टेंट है. इस पर क्वेश्चन मैचिंग के भी आते हैं और सीधे सीधे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी है. तो फर्स्ट है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड द सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड एंड द थर्ड है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस. हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं. इसमें हम ये बता रहे हैं कि शुट्ज़ ने वेबर की वर्स्टेहन अवधारणा को प्रकटनाशास्त्र का आधार माना है. वेबर ने वर्स्टेहन दिया अवधारणा दी, जिसके मीन्स है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को कैसे व्यक्त करता है, अपने आप के बारे में उसकी क्या धारणा है, अपने व्यवहार के बारे में वो कैसा सोचता है. इसी मेन थीम को लेकर शुट्ज़ ने प्रकटनाशास्त्र में अपने विचारों को व्यक्त किया और उन्होंने भी यही कहा कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है और इसके आधार पर वह समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, इसके बारे में अध्ययन करना, एक गूढ़ अध्ययन करना. हम प्रकटनाशास्त्र में इसे ऐड करते हैं. फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि शुट्ज़ का प्रकटनाशास्त्र यूरोप के प्रकटनाशास्त्र, जर्मनी में जिसका उदय एडमंड हुसेल ने किया, और अमेरिका के अंतःक्रियावाद, इसका सम्मिश्रण है. अंतःक्रियावाद और प्रकटनाशास्त्र. प्रकटनाशास्त्र में हम उसकी दैनिक जीवन की क्रियाओं को देखते हैं, व्यक्ति की, कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कैसे संबंध बनाता है, कैसे घटनाओं को प्रक्षेपण करता है, कैसे वो अन्य लोगों को देखता है, इसका अध्ययन करते हैं. और अमेरिका के अंतःक्रियावाद में देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के वी एंड दे रिलेशनशिप में सामने वाले के साथ वह किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग कैसे निकालता है, वो किस परिस्थिति में कैसी अंतःक्रिया करता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन, एक सूक्ष्म अध्ययन करना हम प्रकटनाशास्त्र में करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इन मेन पॉइंट ऑफ शुट्ज़, इट इज़ शुट्ज़ ने सामाजिक संबंधों की व्याख्या प्रकटनात्मक आधार पर की है. सामाजिक संबंधों के बारे में उन्होंने दो अवधारणाएँ दी. पहली विचित्रता और दूसरा विशिष्टीकरण. ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में व्यक्ति के सामने
कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थिति पहले आ चुकी होती है वो बाद में भी आती है, उसके सामने वो परिस्थितियाँ समझ आती हैं। पहले उसने जैसा उसका रिएक्शन किया होगा उस परिस्थिति में, बाद में भी वो वैसा रिएक्शन करता है। अब इसे आप हम लोग अनुभव भी कहते हैं कि अनुभव हो, वो रिएक्शन चेंज भी हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले जैसा किया हो वैसा ही बाद में करें। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना कि किस तरह से व्यक्ति कब अपने व्यवहार को कैसे बदलता है, उसके व्यक्तिगत व्यवहार होता है, उसका वैयक्तिक व्यवहार होता है, उसका अवैयक्तिक व्यवहार होता है, उसमें वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कैसे सामने वाले के साथ अंतःक्रिया करता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए शुट्ज़ ने सामाजिक संबंधों के वर्गीकरण का एक नियम दिया कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक संबंध भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक संबंध भिन्न भिन्न होते हैं, समय, परिस्थिति और अंतःक्रिया, इनके आधार पर हमारे व्यवहार में भी अंतर आता जाता है। तो सामाजिक संबंधों के वर्गीकरण के नियम ये है कि संबंध जितने वैयक्तिक होंगे उतनी ही विचित्र इसकी विशेषताएं होंगी, और संबंध जितने अवैयक्तिक होंगे उतने ही वर्गीकृत होंगे। तो इनमें सबसे मेन पॉइंट तो पहले यह है वैयक्तिक एंड अवैयक्तिक। व्यक्तिगत, वैयक्तिक मीन्स व्यक्तिगत, अर्थात व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत संबंध कि उसके खुद की क्रिया अंतःक्रिया इसके बारे में अध्ययन। एंड अवैयक्तिक मीन्स व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और इन सब चीज़ों के बारे में इसका करना। तो इसमें कहा है कि संबंध जितने वैयक्तिक होंगे उतनी विचित्र इसकी विशेषताएं होंगी। व्यक्ति होंगे मतलब व्यक्ति का स्वयं का अध्ययन, स्वयं की क्रियाएं, ये एक विचित्र होंगी। विचित्र मीन्स यूनिकनेस, मतलब वो सबसे अलग होंगी। विचित्रता मीन्स यूनिकनेस, तो वो व्यक्ति के स्वयं का जो इंटरपर्सनल स्किल है, उसकी जो उसका व्यवहार है वो विचित्र होगा। और जिस संबंध जितने अव्यक्तिक होंगे, जितना वो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करता है, हो सकता है वो एक व्यक्ति के साथ जैसा बिहेवियर करे वो दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार करे, या दूसरे के साथ एक के साथ कम ज़्यादा कुछ करता है दूसरे के साथ भी वो ऐसा कर सकता है। तो वो उसको हम लोग वर्गीकरण में लाते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ कैसा कैसा व्यवहार व्यक्ति करता है। या अवैयक्तिक संबंधों में जब संबंध अवैयक्तिक होंगे तो वो उतने ही वर्गीकृत होंगे, ये हम कह सकते हैं। ये हम लोगों का एक मेन पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि शुट्ज ने प्रकटना शास्त्र के तीन तत्व दिए हैं। फर्स्ट है इंटरसब्जेक्टिविटी, सेकंड है लाइफ वर्ड, एंड थर्ड है वी एंड दे रिलेशंस। इंटरसब्जेक्टिविटी मीन्स व्यक्ति अपने बारे में, व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार, व्यक्ति के स्वयं के अंतर क्रियाएँ, व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, अपने व्यवहार को कैसे वो रिएक्ट करता है, इसके बारे में अध्ययन। एंड सेकंड है लाइफ वर्ल्ड मीन्स जीव जगत, व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में कैसा बिहेवियर कर रहा है, अपने आसपास के वातावरण, समाज, व्यक्तियों आदि एक परिवेश निर्मित करने के बाद उसके व्यवहार में कैसा अंतर आ रहा है, इसके बारे में भी अध्ययन। एंड वी एंड दे रिलेशनशिप, लास्ट वी एंड दे रिलेशनशिप, इसको हम अवैयक्तिक संबंध भी कहते हैं। तब हम अपने सामने वाले के साथ अंतःक्रिया करना, व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार से अंतःक्रिया कर रहा है, इसके बारे में भी अध्ययन करना। शुट्ज ने प्रकटना शास्त्र के इन तीन तत्वों को लेकर अपने नियम बनाए हैं, अपना अध्ययन किया है, अपनी बुक्स लिखी हैं। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ, इन सब में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बता ही दिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं लास्ट में एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। सो थैंक यू, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीटर वर्जन एंड लकमन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सिंग अकेडमी। प्लीज़ लाइक माई चैनल। If you have any questions or confusions, please write in comment box or send a mail. Email ID is given in description. Please subscribe my channel for getting more videos updates for UGC NET Sociology third paper, and share my channel as much as possible. Thank you so much.